ग्वालियर में जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में ग्वालियर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदूषण नियंत्रण हेतु आयोजित बैठक में वाहनों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने हेतु उनके विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक ग्वालियर राजीव सिंह चंदेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ऋषिकेश मीणा के मार्गदर्शन में ग्वालियर शहर के कुछ प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर यातायात पुलिस, नगर निगम एवं जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीमों द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें निर्धारित मानकों से अधिक पर चलने वाले वाहनों की पॉल्यूशन संबंधी जांच कर यातायात पुलिस, नगर निगम एवं जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीमों द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जिला कलेक्टर ग्वालियर तथा नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह द्वारा स्वयं फूलबाग पर जाकर संयुक्त टीम द्वारा की जा रही कार्रवाई को देखा तो और उपस्थित अधिकारियों को बिना किसी भेदभाव के प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्देशों का पालन करते हुए ग्वालियर शहर के फूलबाग चौराहा, बारादरी चौराहा, हनुमान टॉकीज तिराहा एवं 1000 बिस्तर हॉस्पिटल तिराहा कंपू पर यातायात पुलिस, नगर निगम एवं जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीमों द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया और मार्गों से गुजरने वाले वाहनों को रोककर उनकी पॉल्यूशन संबंधी जांच की गई, जिसमें कुल 75 वाहन निर्धारित मानक से अधिक प्रदूषण फैलाते हुए पाए जाने पर उनके वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 75,000 रुपए समन शुल्क जमा कराया गया। इस कार्रवाई में यातायात पुलिस की ओर से उप पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह चौहान, थाना प्रभारी यातायात गोले का मंदिर हिमांशु तिवारी, थाना प्रभारी यातायात झांसी रोड अभिषेक रघुवंशी, थाना प्रभारी यातायात कंपू सोनम, पाराशर नगर निगम एवं जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे। जैसा की हमें हमारे माननीय कलेक्टर महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश सिंह चंदेल सर एवं एडिशनल SP ऋषिकेश मीणा सर के निर्देश शहर में जो निर्धारित पॉल्यूशन मानक लेवल से ऊपर के वाहन चल रहे हैं उन पर कार्रवाई के लिए आज निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में आज यातायात पुलिस, नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई फूलबाग चौराहा, बारादरी शहर के अलग अलग स्पॉट्स पर की गई और करीब करीब अभी तक उसमें 50 से ऊपर के वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा चुकी है। करीब करीब अभी तक 30,000 से 40,000 रुपए का समन शुल्क। इसके अलावा आचार संहिता चल रही है, उसके तहत भी क्या कार्रवाई की जा रही है? आचार संहिता को लेके विशेष रूप से जो ध्वनि प्रदूषण करने वाले मानक हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी पे हूटर वगैरह जो लगा के रखते हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ब्लैक फिल्म, कुछ स्टिकर्स गाड़ी में लगे हुए हैं, नंबर प्लेट में अगर कोई डिफेक्ट है तो इन सभी को लेके मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं आम जन से बस यही अपील करना चाहूँगा, खुश स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हेलमेट का उपयोग करें, फोर व्हील वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें और शराब पीकर वाहन तो बिल्कुल ना चलाएं। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।